इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधे ले चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तीन के बजाय 6 महिला पुलिस बटालियन हो जाएंगी, 3 नई बनाई जाएंगी। इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही, जिससे महिला सुरक्षा को और बढ़ावा मिलेगा, और 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाने की बात कही है, जहां पर महिला जाकर अगर कोई किसी के साथ अन्याय भी होता है तो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, उचित कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, क्योंकि हम बात करें समृद्ध और संपन्न करने की, उससे पहले एक विषय में और कह दूं कि बाजारों में भी जब गांव की महिला कभी शहर में आती, कस्बे में भी, किसी छोटे से टाउन में भी जाती है, तो आपने देखा होगा शौचालय ना हो तो बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आना, बुजुर्ग महिलाओं का आना, बेटियां बहू का आना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है शौचालय का ना होना। हमने तय किया है कि हम 1000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करेंगे और उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करेंगे, और इसको मिशन पिंक टॉयलेट के नाम से ही आगे चलाया जाएगा। महिलाओं की समृद्धि के लिए जहां एक और सरकारी नौकरियों में, चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएसएससी की बात हो, या फिर और सरकारी नौकरियां जो है, वहां पर भी महिला की जो अभी संख्या है, जितनी नौकरियां हैं उससे उसको दुगना करने का काम अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेंगे। स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, ताकि उन बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और इन स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देंगे। ये क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए तक की आने वाले समय में इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि कोई भी बहन अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाले समय में 1 लाख रुपए तक का खर्च कर पाए। इतनी बड़ी सुविधा, इतने बड़ा सशक्तिकरण शायद आज से पहले नहीं हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्याज के काल चक्र से ही नहीं निकल पाते, उसी में फंसे रहते हैं। बैंकों से 2.5-3 गुना ज्यादा ब्याज भी गरीब परिवारों को कई बार देना पड़ता था, उससे भी मुक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जहां एक और अनुदान मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करने का, लाखों बहनों को फायदा होगा, वहीं पर उनको SHG क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट की सुविधा मिल पाएगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की बात हमने कल घोषणा की है। ये हमारी उन बेटियों को, उन बहनों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य भी उज्जवल करेंगी। बेटियों के लिए मुफ्त स्कूटी की सुविधा, ये अपने आप में उनके और सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। सभी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर प्रदान करेंगे, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। खेलों में भारत की बेटियों ने शानदार काम किया, उत्तर प्रदेश में भी महिला एथलीट्स ने प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एवं डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत करेंगे, जहां महिला खिलाड़ियों को चुना जाएगा उनकी प्रतिभा के अनुसार, और उनको 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का हम काम भी करेंगे। इसके अलावा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको याद होगा ये वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन पूर्व की सरकार में मात्र 300 रुपया मिलती थी, हमने बढ़ाकर उसको 1000 किया, अब हम उसको बढ़ाकर 1500 करने वाले हैं।
इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार ये आगे भी निरंतर जारी है। इसके लिए हमें संकल्प पत्र में सशक्त नारी के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं और हम उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को, मातृशक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि योगी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काम भी करती रहेगी, समृद्ध, संपन्न और स्वावलंबन के लिए भी आगे हमारी सरकार समर्पित रहेगी। हिमांशु जी, जिसका एक एक नाम लेते जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो छोड़ते ही थे, कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है उनकी अनदेखी तो हुई, वो तो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर ही हो गए। जो नई युवा पीढ़ी को भी तैयार करने का काम करते थे, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर वहां के भ्रष्टाचार के तंत्र को देखकर आज कांग्रेस से युवा पीढ़ी भी कन्नी काट रहे, उनके पोस्टर गर्ल्स भी छोड़कर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अनदेखी की बातें कर रहे हैं। ये प्रियंका वाड्रा जी के ऊपर इतने बड़े आरोप एक के बाद दूसरे लगे हैं, प्रियंका वाड्रा जी को इस पर जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार टिकटों की नीलामी के आरोप, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, महिलाओं की ही अनदेखी के आरोप कांग्रेस के ऊपर जो लग रहे हैं, क्या इसके लिए कांग्रेस का यह परिवार जिम्मेदार नहीं? कांग्रेस की ये नीतियां जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं? हमने जो पिछला लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में लाए थे, उसमें भी कहा था गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, हमने वो करने का काम किया। दिशा में महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार देने की बात की, वो किया। हमने 70 लाख रोजगार स्वरोजगार की बात की थी, हमने 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार देने का काम पिछले 5 वर्षों में किया है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर करके दिखाएगी। देखिए, मैं आपको इस पर ले जाऊंगा कि वो लोग सोचते बहुत है, करने का अवसर नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल गए थे, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के जहां उनका खाता ही नहीं खुल पाता है, कागजों में कुछ भी लिख पाए, सत्ता में आएंगे तो कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तब हमने जाकर यहां पर वायदों को सच करने का काम किया, जो संकल्प लिया उसको सिद्ध करने का काम किया था। ये केवल मात्र घोषणाएं करती हैं, जो अपने पोस्टर गर्ल को नहीं बचा पाई वो अपने घोषणा पत्र में जो वायदे होंगे उनको क्या पूरा कर पाए। सब एक एक करके सवाल आने दीजिए, पूछिए क्या सवाल है, क्या सवाल है? मामला कोर्ट में बिचारा थी ना, आज उसकी सुनवाई, मुझे लगता है आपको, मुझे और सबको ही कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। आप आपने कहा कि महिलाओं को समाजवादी पार्टी
बसपा और सपा की सरकार में तो वातावरण ऐसा होता था कि बच्चियां घर से बाहर निकलने पे डर महसूस करती। मुफ्त शिक्षा देने की बात तो दूर की है। अगर दंगे होंगे, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, महिलाओं के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी जो सपा बसपा के शासनकाल में थी, तो आप कहां से शिक्षा की बात करते हो? सुरक्षा हमने दी तब जाके शिक्षा का सुधार भी हो पाया। सुरक्षा सबसे पहला कदम है जिसके कारण शिक्षा भी, व्यापार भी और रोजगार कारोबार भी बढ़ते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए हमारी सरकार समर्पित है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात जो महिलाओं को लेकर की गई, हमने हर परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया। ना बसपा ने दिया, ना सपा ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। अब हमने ही 2 उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर होली और दीपावली पर देने की बात कही है। इन्होंने नहीं किया। इनके समय तो रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे, लकड़ी इकट्ठी करके धुआं निकलता था, आंखों से आंसू निकलते थे। पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने पाइप भी घर तक पहुंचाई, नल लगाकर जल देने का काम किया। जी अगला, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की लोकप्रियता इतनी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी यहां पर आना पड़ रहा है। ये वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो चुनाव के समय यूपी को बदनाम करने की कोई कसर ममता बनर्जी जी ने नहीं छोड़ी। यूपी के लोगों को गुंडा कहने से ममता बनर्जी जी पीछे नहीं हटे। और ममता बनर्जी को लेने सबसे पहले कौन गया? जिनके राज में गुंडों को संरक्षण मिलता था, अपराध की घटनाएं माफिया राज को बढ़ावा मिलता था, वो लेने सबसे पहले ममता बनर्जी जी को सबसे पहले गए। मेरा सवाल ममता बनर्जी जी और अखिलेश यादव जी से, एक ने उत्तर प्रदेश का अपमान किया ममता बनर्जी ने, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि उत्तर प्रदेश को अपमानित करने वाली ऐसी महिला को लेने के लिए वो क्यों गए? उनको गुलदस्ता देने का काम भी किया। क्या उत्तर प्रदेश के इस मान सम्मान के लिए अखिलेश जी के मन में कोई स्थान है या नहीं? और जहां तक ममता बनर्जी जी की बात कर तो जीता जागता उदाहरण अगर देश में कहीं है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए गुंडई को और दंगई को बढ़ावा देती है, जिनके सत्ता में आते ही परिवारों को छोड़कर पलायन करना पड़ा, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को मारपीट करके वहां से भगाने का काम हुआ, ये एक दंगई दूसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने वाली पूर्व सरकार के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिलाने आए। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, पश्चिम बंगाल से आने वाले दंगई उत्तर प्रदेश के पुराने दंगइयों का साथ देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए हमने पहले महिला पुलिस बटालियन 3 हमने बनाई, अब हम उसको 6 करने जा रहे, 2 करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी रिक्त स्थान है, हमने कहा हम उनको तेजी से भरने जा रहे हैं। और महिलाओं को जितनी नौकरियां आज तक है उसे 2 करने वाले हम नई नौकरियां भी देंगे और महिलाओं को नौकरियों को 2 भी करने का सुनिश्चित करेंगे। निश्चित तौर पर होगा, रोजगार स्वरोजगार के जब अवसर बढ़ते हैं तो उसकी संख्या भी बढ़ने ही वाली है। और सरकारी नौकरियों के जो रिक्त स्थान है उनको जब भरेंगे
निश्चित तौर पर दुगनी हो ही जाएंगे और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमने जो भी किया है उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, कानून बनाएंगे, कुछ और करना पड़ता है वो भी करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए नौकरियों को दुगने करने का हमने संकल्प लिया है, इसको सिद्ध करके ही देंगे। देखिए वो क्या कहते हैं इस पर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में एक सवाल है कि सपा अपना संकल्प पत्र जारी करने आए या घोषणा पत्र जो भी करना है, जो मैंने नाम दिया होगा, उस समय क्या उस पार्टी के नेता थे साथ में, मंच पर कौन था? कौन था मंच पर साथ? उस पिक्चर को एक बार वापस याद करना चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है समाजवादी पार्टी सुन्नी हो रही है, खाली हो रही है, अपने छोड़कर जा रहे हैं, अपनों का ही साथ मंच पर नहीं मिल पा रहा है। ये अपने आप में दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की हालत इस चुनाव के बाद क्या होने वाली है, उसका एक ट्रेलर कल देखने को मिल गया। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब जब महिला आरक्षण की बात आई समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया लोकसभा में, ये महिलाओं के पक्ष में कभी थे ही नहीं। अखिलेश यादव जी को पूछिए क्या उस समय वो सांसद थे? इनके सांसदों का रवैया क्या था? महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी ने सदा विरोध किया है, उनके आरक्षण पर भी, उनके विकास पर भी रोड़ा अटकाया है और महिलाओं को असुरक्षित करने का काम किसने किया है तो समाजवादी पार्टी के समय। अगर आप जितना मेरा कल मेरा जाना हुआ, जितनी मेरी चर्चा वहां पर हुई, जो जोश वहां पर है, आज आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं, और 10 मार्च को हम एक बार फिर मिलेंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है पहले फेज में, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में हम सीटें जीतने जा रहे हैं। एक अलग वातावरण है, जोश बिल्कुल अलग है, और कल भारी मतदान के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ेंगी और मतदान भी बढ़ेगा। सर, आपने कर्नाटक वाले इशू पर कोर्ट की बात तो कह दी, पर उसी कारण से सर धर्मेंद्र लिम्बा हिंद ने उस लड़की को जिसने सब कुछ पूरा इशू क्रिएट किया, 5 लाख रुपए इनाम देने की बात कही है, इसको क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से कहीं ना कहीं जोड़ करके देखते हैं, उसको कंट्रोवर्सी के तौर पर उसको देखते हैं या उसको प्रोवोकेट करने के तौर पर देखते हैं? नेक्स्ट हमने सबके लिए काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ काम किया है। 5 वर्षों में ना जाति देखा ना धर्म देखा, जिसके हक थे उसको अधिकार देने का काम किया है, पक्का मकान बनाकर दिया। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, गरीब मुसलमान परिवारों को पक्के मकान मिले, अनुसूचित जाति जनजाति कुमांतर पिछड़ों को पक्के मकान बनाकर मिले। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मुस्लिम देखा या हिंदू देखा, जो गरीब था उसको गरीब के नजरिए से देखकर उसके अधिकार देने का काम किया है, और वो गरीब भी, वहां का नागरिक भी अपने वोट का अधिकार उसी तरह से करेगा जिसको मुफ्त 2 बार राशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पक्का मकान दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, पीने का पानी दिया और 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, मुफ्त में वैक्सीन भी लगाने का काम किया। वो ये नहीं देखेगा कि उसकी जाति धर्म क्या है, वो ये देखेगा
उसको अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने का काम किसने किया, कच्ची झोंपड़ी से पक्का मकान किसने दिया, सूखे गले को पीने का पानी किसने दिया है, ये गरीब की जुबान पर होगा। और वोट जब बटन दबाएगा तो कमल ही दिखाई देगा, कमल ही दिखाई देगा। धन्यवाद। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के लोकसभा और राज्यसभा के जो राष्ट्रपति जी के उनको जो उत्तर देते हुए अपना जवाब दिया, एक ऐतिहासिक मैं कहूं अगर रिप्लाई अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में हुआ, उस भाषण में इतना गहराई है, गंभीरता, इतना कंटेंट है, ना केवल कांग्रेस को आईना दिखाया, देश के सामने कांग्रेस की सही पिक्चर दिखाई कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। मुझे लगता है उसको बार बार देखना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए, देश के सामने कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा में किया है, और किस तरह से देश को बांटो और राज करने का काम कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक किया। यह तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश का बंटाधार कांग्रेस ने कैसे किया, ये सब देश के सामने आए। और जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस की जो नीतियां थी जिसके कारण 43,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी, हमारे सुरक्षा कर्मियों से लेकर आम नागरिक को, उसके कारण कितना नुकसान है, किस तरह से कांग्रेस की नीतियों के कारण देश पिछड़ता चला, जाति धर्म में बंटता चला, हमने उससे बाहर निकालकर देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं तो यही कहूंगा, जिसने ना देखा हो कृपया करके प्रधानमंत्री जी का भाषण जरूर देखें लोकसभा राज्यसभा का, आपको बहुत सारी चीजों के उत्तर मिल जाएंगे जो शायद आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं। और बड़ी खबर, यूपी बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान चुनाव जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकता है, सरकार बनने के बाद एक बार फिर से जो महिलाओं को नौकरी में दोगुना जगह दी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस विभाग में 3 महिलाओं की यूनिट योगी सरकार ने बनाई है, अब इसको हम दोगुना करके यानी 6 यूनिट बनाएंगे। 1,000 करोड़ की लागत से महिला शौचालय बनाया जाएगा, पिंक शौचालय, जो महिलाओं को शहरों में कस्बों में आने में दिक्कत होती थी उसको दूर किया जाएगा।